सब अपना अपना एक गेम खेलते हैं, लाइक अर्चना नायक हो गई, प्रियंका हो गई, सबका एक मोटिव है कि कुछ ना कुछ करना होता है घर पे, इस वजह से कुछ ना कुछ गेम हो ही जाता है घर पे, झगड़ा एंड ऑल। बहुत उनमें कंट्रोवर्सीज चल रही है आज के, फेक है, कैमरा के लिए रिलेशन मेंटेन करते हैं, लेकिन ऐसा सब कुछ नहीं है। वो अपने बलबूते में खेल रहे हैं, वो एज ए कंटेस्टेंट, और मेरे को बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट लगते हैं, भले से उनमें लीडरशिप क्वालिटीज है नहीं। एमसी स्टैंड क्योंकि वो सबके मन को भा गया है, और जब से वो इसमें आया है तब एकदम ही फेम में चले गया है, उसका कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता है जितने भी है। शिव जीतेगा, शिव 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 शिव। आपके हिसाब से घर से बाहर कौन होने वाले, प्रियंका, शिव, टीना, निमृत, शालीन? शालीन हो गई। हाँ ऑफ कोर्स। घर से बाहर होने की आपके हिसाब? एक्टिंग ज्यादा हो गया उसका। आपके फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है इस बार बिग बॉस के घर में? ऑल मंडलीज। ऑल मंडली। मंडली में आप सबसे ज्यादा किन्हें सपोर्ट करते हैं? शिव ठाकरे। क्या वजह है सपोर्ट करने की? बहुत सपोर्टिव है और बहुत अच्छा लगता है उसका गेम। देखा जाए तो काफी सारा घर में मतलब ये उठापटक होते जा रहे हैं, आपको क्या लगता है सर, रियल है या फेक है कुछ? सब अपना अपना एक गेम खेलते हैं, लाइक अर्चना नायक हो गई, प्रियंका हो गई, सबका एक मोटिव है कि कुछ ना कुछ करना होता है घर पे, इस वजह से कुछ ना कुछ गेम हो ही जाता है घर पे, झगड़ा एंड ऑल। आपके हिसाब से कौन बिग बॉस का ट्रॉफी इस बार लेकर के जाएंगे? ऑफ कोर्स शिव ठाकरे। शिव ठाकरे। क्यों, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? उनका गेम बहुत मुझे अच्छा लगता है एंड शायद सबको भी अच्छा लगता होगा, और अभी तक है तो वो जीत के भी आए हैं और वो सपोर्टिव है, और उनका वोटिंग्स भी आई थिंक बहुत ज्यादा ही है। तो इस वीक घर से बाहर कौन होने वाले हैं आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो प्रियंका ही निकलेगी। क्या बता घर से बाहर उसको निकाल देगा घर से? क्यों, आपको क्यों लगता है कि घर से बाहर वो होना चाहिए? वो नहीं जानती है इसके लिए। और आपके फेवरेट कौन है बिग बॉस के घर में? एमसी स्टैंड। एमसी क्यों, क्या वजह है? वो पी चाउन बेबी, उसका स्लोगन ही इतना रावस है कि कुछ बोल नहीं सकते एकदम एंड तक। बिग बॉस की ट्रॉफी इस बार कौन लेकर के जाएगा? एमसी स्टैंड। क्यों? क्योंकि वो सबके मन को भा गया है, और जब से वो इसमें आया है तब एकदम ही फेम में चले गया है, उसका कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता है जितने भी है। इस वीक कौन आपके हिसाब से घर से बाहर होंगे? मेरे हिसाब से इस वीक प्रियंका जाएगी, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि वो ज्यादा टिक नहीं पाएगी के बिग बॉस के सेट पे ज़्यादा, क्योंकि वो बराबर से खेल भी नहीं रही है, खाली बात झगड़े करती रहती है, तो मेरे को नहीं लगता कि वो टिक पाएगी। बिग बॉस की ट्रॉफी इस बार कौन लेकर के जाएंगे? फैंस लोग के तो हिसाब से तो स्टैंड ही लेके जाएगा, लेकिन मेरे हिसाब से तो शालीन भनोत को ही मिलना चाहिए। आपके फेवरेट कंटेस्टेंट बिग बॉस में कौन है इस बार? मेरा फेवरेट कंटेस्टेंट बिग बॉस से शालीन भनोत है, शालीन भनोत, क्योंकि उसके जो ट्रेजिडी जो लाइफ में जो हुई है उसकी, तो उससे बहुत मेरी मिलती जुलती है और बहुत मतलब सही बंदा लगता है वो मेरे को, मतलब प्लेयर एज अ प्लेयर, और जो उसके जो मतलब कंट्रोवर्सी जो चल रही है कि गेम कैमरा के सामने मतलब फेक करना है वो सब, तो सब ऐसा कुछ नहीं है। वो अपने इसमें खेल रहा है, वो अपने बलबूते पे अपनी मेहनत से लगा के खेल रहा है, वो फेक नहीं है, तो वो उसके लिए शालीन बनोदी मेरा फेवरेट है। इस वीक घर से बाहर कौन होने वाले हैं, शिव, निमृत, प्रियंका, स्टैन? मेरे हिसाब से प्रियंका ही जाने वाली। शिव जीतेगा, शिव शिव शिव। निमृत ही लेगा। शिव शिव। क्यों शिव का गेम आपको इतना अच्छा लग रहा है? बहुत जेन्युइन खेलते हैं, उनका स्ट्रेटजीज बहुत अच्छा है, सबके तरफ से देखते हैं, खुद के लिए नहीं।